आदरणीय बंधुओं, माताओं वे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में माघ महत्तम का छठा अध्याय सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान विष्णु की कृपा से मनुष्य सदकर्मों को करता हुआ, आयु धन व संतान का सुख भोगता हुआ अंत में वैकुंठ लोक को पाता है। महत्तम सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, कल के अध्याय में हमने सुना कि दत्तात्रेय जी राजा सहस्त्र अर्जुन को माघ मास का महत्तम सुनाते हुए कह रहे हैं कि माघ स्नान के प्रभाव से ऋषिका नाम की एक ब्राह्मणी ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से ब्रह्मलोक में तिलोत्तमा नाम की देवी बनी, जिसने सुंद और उपसुंद नामक दोनों दैत्यों का नाश कर देवताओं का कार्य सिद्ध किया, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे भगवान सूर्य देव के रथ पर स्थान दिया, जो कि अब भी सूर्य देव के रथ पर माघ स्नान के प्रभाव से उत्तम भोगों को भोग रही है। बंधुओं, यहाँ तक की कथा हमने कल के अध्याय में सुनी, आइए अब सुनते हैं आगे की कथा। दत्तात्रेय जी कहने लगे, हे राजन सुनो, पूर्व समय में सतयुग में उत्तम निषेध नामक नगर में हेम कुंडल नाम वाला कुबेर के समान धनी एक वैश्य रहता था, जो कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता, अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम किया करता था। वह गायें, घोड़े, भैंस आदि का पालन करता और दूध, दही, छाछ, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तुएं बेचा करता और इस प्रकार उसने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि के वृक्ष तथा सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक वह दान करता। गांव के चारों तरफ उसने जल की एक प्याऊ लगवाई। उसने जन्म भर जितने भी पाप किए थे वह उनका प्रायश्चित करने लगा। इस प्रकार उसके दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवा अवस्था को प्राप्त हुए तो हेम कुंडल वैश्य गृहस्थी का सब कार्य अपने पुत्रों को सौंपकर भगवान की तपस्या के निमित्त वन में चला गया और वहाँ भगवान विष्णु की आराधना में अपने शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। पिता की मृत्यु के पश्चात उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए। वैश्य गामी वीणा और बाजे लेकर वैश्याओं के साथ गाते फिरते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल आदि लगाकर, भांड और खुशामदियों से घिरे हुए हाथी की सवारी करते थे, सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के समान वह अपने धन को बुरे कामों में नष्ट करने लगे। कभी किसी सत्पात्र को दान आदि नहीं करते थे, ना ही कभी हवन, देवता या ब्रह्मा जी की सेवा या फिर भगवान विष्णु का पूजन किया करते थे। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में उनका सब द्रव्य नष्ट हो गया
और वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गए। भाई बंधु सेवक उपजीवी सब उनको छोड़कर चले गए। तब उन्होंने चोरी आदि करना आरंभ कर दिया। राजा के भय से नगर को छोड़कर चोर तथा डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरण आदि पशु तथा हिंसक जीवों को मार कर खाने लगे। एक समय इन में से एक पर्वत पर चला गया, जिसको सिंह मार कर खा गया, और दूसरा वन को चला गया, जो काले सर्प के डसने से मर गया। मृत्यु के पश्चात यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम देव के पास लाए और कहने लगे कि हे महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है। इति माघ महत्तम छठा अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।